हम सब लोगों ने आवयु की योग के गुणधर्म पढ़े, ठीक है। पहले उससे पहले दो आवयु का योगफल पढ़ा, ठीक है। एक आवयु में दूसरे आवयु कैसे जोड़ा जाता है, एक आवयु में दूसरे आवयु कैसे घटाया जाता है, ठीक है। फिर आवयु का गुणफल पढ़ा, एक पंक्ति आवयु का एक स्तंभ आवयु में गुणा कैसे किया जाता है, फिर एक आवयु का दूसरे आवयु में गुणा कैसे किया जाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि आवयु के गुणनी। तो इसमें एक विशेष चीज है, जो आवयु के योग के गुणधर्म पढ़े थे उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कहीं नहीं डिफरेंस है। पहला हम पढ़ रहे हैं सहचार नियम। आपको मालूम है योग में सहचार नियम में हम क्या करते थे, वहां पर हम करते थे ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये योग के सहचार नियम में करते थे, आवयु के योग के सहचार नियम। ए और बी सी तीन आवयु होते थे, उनके समान क्रम होते थे। तो यहां पर भी क्या होगा, यदि तीन आवयु ए बी व सी ये समान क्रम के हैं, हम नहीं भी लिखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि समान क्रम के होना चाहिए। सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? योगफल आपका समान क्रम का होना चाहिए, जब योगफल। तो ये जो है तीन आवयु होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उनका वर्णन संभव हो। तो आपको मालूम है पहले आवयु के स्तंभ की संख्या दूसरे आवयु के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यदि तीन आवयु ए बी सी हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है, ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, ये नियम होगा, ठीक है। ये नियम हमारे पास ट्रू होगा। अगर आप बोलो नहीं सर हमको चेक करके बताओ, आप पिछले योग में तो हमने आपको एग्जाम्पल नहीं दिए थे, यहाँ हम चेक करके आपको बता देते हैं, ठीक है। छोटा सा कुछ भी ले लीजिए आप, ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4, बी बराबर ले लिया 4 5 6 7 और सी बराबर ले लिया 5 9 8 0, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू, पढ़े लिखे लोगों सब लोग, ठीक। ए बी बराबर देखिए क्या आएगा, 4 12 16, फिर कितना आएगा, 5 14 19, 12 और 24 36, फिर देखिए 15 28 43। अब हम ये चाहते हैं तो हमने क्या किया, ए बी इंटू सी लिख दिया। तो देखिए ए बी इंटू सी हमारे पास कितना हो गया, 16 19 36 43 और सी की जगह 5 9 8 0। अब देखिए कितना आएगा, 80, ठीक है। और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अरे 172 पक्का, मेरे को नहीं मालूम, 162 आएगा, 162 आएगा ना, 162। तो कितना हो गया, 8 और 6 242, ठीक है। तो पहला कितना आ गया, 242 आ गया। सेकंड देखिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और इसमें इसका गुणा करेंगे तो 190 आएगा, 0 144, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 180, कितना हुआ देखिए, 36 और 5 का गुणा करेंगे तो 180, इसमें इसका गुणा करिए 324। भाई इसको देखिए, ये गुणे करने का तरीका है, मैंने कभी मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाऊंगा। प्लस 3 × 8 कितना हुआ, 320, 24 344, ठीक। तो ये कितना हो गया, 300 यही आया ना, 344। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें इसका गुणा करना, ठीक है। तो 30 में 9 का गुणा किया 270 और 6 में 9 का गुणा किया 54, कितना हुआ, 54 और 270 कितना हुआ, 324।
कैसे होगा 320? देखिए आप 36 में, सॉरी 36 में 9 का गुणा करना ना, 36 में 9 का गुणा करना है, तो हम इसको ऐसा करेंगे, ये 270 54 4 324 ठीक, तो ये आ गया 324। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए बी सी सी आर। अब देखिए सेकंड पार्ट, हम ये वाला निकाल लेते हैं। ये मैंने उस समय नहीं पढ़ाया आपको, कब जब योगफल बता रहा था तो इस तरह के एग्जांपल नहीं बताए मैंने आपको, क्योंकि योगफल में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक आध छोटा सा बताया होगा। अब सबसे पहले चाहिए हमको बी सी, तो देखिए बी सी कितना होगा हमारे पास, 4 5 6 7 और यहाँ क्या होगा, 5 9 8 0 ठीक, गुणा करिए 4 20 8 40 60 तो पहला हो गया 60, फिर देखिए 36 हो गया, फिर देखिए 30 और 56 86 ठीक 86 नेक्स्ट देखिए 54 ठीक है, ये बीसी बराबर आ गया। देख लेना गलती हो हमसे हो सकती है, आप लोगों से नहीं होगी, आप लोग स्टूडेंट हैं। इसका देखिए ये जिस ऑर्डर में लिखा उसी में, ऐसा नहीं करना इसको, ऐसा कर दो आप, बोले सर यही तो मतलब होगा, ए में बी का गुणा, बी में सी का गुणा, यहाँ बोले बी में सी और ए एक ही चीज आएगी, ये ऐसा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ए, ए बराबर कितना लिखा हमारे पास, 1 2 3 4 और यहाँ कितना लिखा, 60 36 86 54। चलिए करिए पहला, 60 और 86 दूनी 172 कितना हुआ, 232 टोटल कर दिया मैंने, देखिए 60 और 172 इसका इसमें गुणा हुआ कितना आएगा, 172 आएगा ना, तो कितना हुआ, 2 6 7 13 232 ठीक। ये देखिए 232, अरे 42 आ रहा है, यहाँ गड़बड़ कर दिया, चलो देखते हैं अपन, ये यहाँ गड़बड़ किया या वहाँ गड़बड़, देखते हैं 2 मिनट देखते हैं ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 36 और 108 144 ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 180 ठीक, और इसमें इसका गुणा करिए 4 बार तो 85 170 340 और 4 344 और 180 जोड़िए और 180, ये भी गड़बड़ आ रहा है, क्यों गड़बड़ आ रहे हैं, ये क्यों गड़बड़ आ रहे हैं भाई, ये 180 हुआ 180 और ये 344, 8 चौके 32 320 और 6 चौके 24 344, ये कहाँ गड़बड़ आ गया, 344 आ रहा है, नहीं 544 आ रहा है ना टोटल करने पे, अच्छा वहाँ 344, चलो देखते हैं, चलो नेक्स्ट ये वाला देखते हैं जरा, यहाँ 544 सारा कुछ कहीं गड़बड़ करना है, यहाँ आई बताइए 108 और 216, 108 216 4 324 ठीक है। अब कौन सी चीज सही नहीं आई, पहला वाला हम चेक कर लेते, कहीं यहाँ तो गलती नहीं कर ली हमने ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में 16 5 80 ठीक, ये 80 हुआ और ये कितना हुआ, 19 में 8 152 होता है, 162 जोड़ा था, 162 जोड़ा था, 152 152 तो यहाँ पर 8 to 15 24 ये हो गया, हाँ ये सही, तो ये सही हो गया आपका, यस ठीक है भाई, इतने आया ना 152 और 80 2 8 5 13 और 232 ठीक, ये सही हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाला 180
ये 180 हो गया और ये कितना हुआ 320 24 344 सही तो आ रहा था लेकिन लिखा गलत है बनने लिखा गलत है बनने 4 2 जोड़ 5 सही तो आ रहा था 544 यहाँ एक मिनट यहाँ जो कि कितना आएगा यहाँ चेक करिए बोलिए 180 और ये इसका इसमें करिए 320 24 ये गलत कर दिया था ठीक क्या है हमसे गलती हो सकती है आप लोगों से नहीं हो सकती क्या हम 2 और 2 = 5 भी जोड़ लेते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ बराबर आ गया क्या हुआ अपने पास अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः ABC बराबर ABC ठीक अभी आप देख रहे हैं कि ABC बराबर किसके हो गया ABC के बराबर हो गया ठीक तो हमारा सहचार नियम का पालन हो गया सहचार नियम संतुष्ट होगा दो आवयवों के गुणनफल के लिए कभी भी कहीं पे भी रहेंगे तो दो आवयवों का गुणनफल हमेशा इसको संतुष्ट करेगा ठीक है अब ये चीज हम आप बोलेंगे तो हम बताते जाएंगे ठीक है नहीं बोलोगे तो हम नहीं बताएंगे सीधे लिखते जाएंगे ठीक है इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है वितरण आवयव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको ध्यान रखना आप हैं अभी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी अब आएगा वितरण नाम वितरण नियम या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक है पहला देखिए पहला सिंपल है ABC हमारे पास तीन अगर आवयव है तो AB + C = AB + AC ठीक है यही ना पहला देखिए दूसरा कौन सा होगा B + C into A ऐसा ठीक BA + CA ये सेकेंड हो गया आप बोले तो इसका एक एग्जांपल लेके छोटा छोटा बता दें आप करके देख लोगे बता दें चलिए बता देते हैं बताइए ये बराबर क्या ये बराबर बताइए एक ही बता रहा हूँ कोई भी एक बता रहा हूँ बोलो है 1 2 3 4 बी बराबर क्या होगा 1 0 4 0 सी बराबर क्या होगा 2 3 4 5 ठीक तो जैसे ये वाला ले रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे B + C को जोड़ेंगे सब हम पढ़े लिखे हैं अपन 3 3 8 5 ठीक उसके बाद देखिए A into B + C एक ही है कितना है 1 2 3 4 फिर 3 3 8 5 ठीक क्या मतलब हुआ यहाँ पर 3 16 19 फिर कितना हुआ 3 10 13 9 और 32 41 9 और 20 29 ठीक 4 3 12 4 12 32 ये वाला मेरे से गुणा नहीं बनता था मैं क्या ठीक है आपसे बनता है भाई मेरे से कुछ गलती हो जाती है देख लो 22 आएगा कि 29 आएगा कि 92 आएगा 29 आएगा ना चलिए अब देखते हैं इसके बाद आगे अब अपन हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं ठीक नाउ A into B चाहिए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं आप A into B कितना होगा 1 8 9 फिर देखिए 0 और 0 20 और 10 30 हो गया 0 ठीक 0 क्यों लिखा है फिर देखिए 3 और 16 19 ठीक फिर नेक्स्ट टाइम में
जीरो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए अपन को, एसी चाहिए। एसी बताइए एसी कितना आएगा, 1 2 8 10। प्राची समझ में आ रहा कि नहीं? इन दोनों में नहीं कर रहा हूं मैं, इनसे और इसमें कर रहा हूं। ठीक, देखिए फिर देखें इसका हो गया। आप देखिए 3 और 10 13। ठीक, उसका देखिए 3 × 6 = 3 × 6 और कितना हुआ, 22 हुआ कि 22। फिर 9 और 29। ठीक, अब अगर इसको हम जोड़ दें ए बी प्लस ए सी इक्वल टू देखिए 19। ठीक, फिर 13, फिर देखिए 41, मैं तो इसको देख रहा हूँ। ठीक है, और 29। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी सेटिस्फाइड हुआ। ठीक, दो नियम आपने देख लिए यहाँ पर, दोनों को दोनों संतुष्ट हो गए अपने पास मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब अपन एक नई चीज बताएंगे आपको, जो क्रम विनिमय नियम है वो आएगा अपने पास। देखिए क्रम विनिमय नियम, ये तो सेकंड पार्ट कर लोगे ना आप। अब देखिए क्रम विनिमय नियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए यहां पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए ध्यान रखना है। वहां पर क्या था हमारे पास कि अगर ए और बी दो समान क्रम के आवयव हैं तो उनका योगफल मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्रम विनिमय नियम को पालन करता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। यहां पर 1 × 2 बराबर कितना होता, 2। 2 × 1 बराबर कितना होता, 2। लेकिन यहां पर नहीं होता। देखिए मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कभी 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 ये बराबर नहीं होगा, सॉरी बी ए लिखा है, कभी कभी ये बराबर नहीं होगा, समानता बराबर नहीं होता है। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं 1 × 2 बराबर 2 × 1 नहीं होता है, कभी समान आवयवों में कभी कभी बराबर नहीं होता। इसकी पंक्चुअल स्टंप चेंज हो जाते हैं शायद इसमें, नहीं देख लीजिए। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 4 बी बराबर क्या ले लें, 6 4 9 7 लीजिए। ए बी चलिए बताइए ए बी कितना हुआ, 6 18 24 4 14 18 18 और 36। भाई आप जोड़ लेना, हमसे गलती हो सकती है। अब देखिए 12 और 28 40। ठीक, अब देखिए बी ए बोलिए, ये पहले आएगा। ठीक है, तो 6 और 3 12। अरे यार कंफ्यूज हो रहे तो ऐसा कर लो, लो ये लो 6 और 12 18। यस सर। ठीक, उसके बाद देखिए 12 16 28। ठीक, उसके बाद देखिए 9 21 30। यहाँ देखे 18 और 28 46। ठीक, क्या हुआ यहाँ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। बोलोगे सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, लेकिन सहचार नियम लागू हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आवयवों के गुणनफल में का जो नियम है क्रम विनिमय नियम समानता लागू नहीं होता। ठीक है, बंद तो नहीं हुआ, समानता लागू नहीं होता। अब देखिए हम लागू करवा देते हैं, 0
जीरो वन, ए बी निकाल लीजिए कितना आएगा वन, फिर कितना आएगा जीरो जीरो वन, बी ए कितना आएगा, देखिए वन जीरो, फिर इसका ऐसे करेंगे जीरो, फिर इसका ऐसे करेंगे जीरो वन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है मैम, इसमें इतना बड़ा चेहरा मैम मैम मैम, ठीक है ये आया क्लियर। अब देखिए एक और चीज देखिए, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए, अब इन्होंने एक नई चीज बोल दी, मैं लेता हूं ये बराबर टू जीरो जीरो टू, बी बराबर टू जीरो जीरो टू, ए भी निकालिए कितना आएगा चार जीरो, ठीक, यहां से कितना आएगा जीरो, यहां से कितना आएगा फोर, बी ए देख लीजिए टू टू फोर जीरो जीरो फोर। अभी तक आप यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे थे, अब डायगोनल मैट्रिक्स में आ गए, वेरी गुड, डायगोनल के लिए भी होगा, ठीक है। अभी और एक देखिए, ए इक्वल्स टू वन, थोड़ा यहीं पे बता देता हूं, वन टू जीरो जीरो कर दिया, यहां बी बराबर वन टू जीरो जीरो कर दिया, ठीक है, बताइए ए बी कितना हो जाएगा वन टू, कितने हुआ ना, यहां कितना हो जाएगा जीरो जीरो, यहां कितना हो जाएगा जीरो, ठीक। बी ए देख लीजिए, ये इसका इससे करेंगे कितना आएगा वन, इसका इससे करेंगे कितना आएगा टू, क्लियर, क्लियर ना, और यहां जीरो। अब बोलिए डायगोनल मैट्रिक्स मतलब से समान, अगर आपने दिए हो, चलिए और बता देता हूँ फिर आपको। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ समानतः, समानतः का मतलब होता है कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता, समानतः का मतलब ये है। अभी पहला वाला मैंने एग्जांपल दिया तो आपने बोला सर यूनिट मैट्रिक्स में होता है, सेकंड दिया तो आपने बोला डायगोनल मैट्रिक्स में होता है, अभी कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है ना आपके पास, तो डायगोनल नहीं है आपके पास, ये यूनिट भी नहीं है, तो कहीं कहीं हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता, हर जगह नहीं होता, इसका मतलब ये वक्रम भी नहीं, ठीक है, बंद कर दो, ठीक है, कैसा, ठीक है, कि ऐसे पॉजिटिव ये बराबर दिया दो थ्री टू थ्री माइनस वन टू, और उसके साथ दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, तो हमको ये प्रूव करना है कि एफ इक्वल टू जीरो होगा और ए फाइव की वैल्यू भी निकालना। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, एक्स बराबर ए रखने पर क्या हो जाएगा एफ ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन, ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं ए इंटू ए लिखते ना अपन, ठीक, माइनस फोर ए, इसको हम लिख सकते हैं सेवन आई, आई क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना होगा वन जीरो जीरो वन, मतलब दो क्रॉस दो का ऑर्डर होगा। तो देखिए मैंने इसको क्या किया टू थ्री माइनस वन टू, टू थ्री माइनस वन टू माइनस फोर ए, टू थ्री माइनस वन टू प्लस सेवन आई वन जीरो जीरो, बताओ क्या है ये सारी मैट्रिक्स। मैंने कहा टू इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू टू होता है, बट अगर आव्यूह के क्षेत्र में जाएंगे तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ सेवन अकेले लिखते हैं, ये तो सारे आव्यूह है ना, तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं, तो सेवन में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया वन, वन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जितना ऑर्डर एक का दिया रहता है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए,
चार तीन एक, छः छः बारह, माइनस वन सॉरी माइनस टू, माइनस टू माइनस फोर, माइनस थ्री फोर वन। फिर देखिए माइनस आठ बारह माइनस फोर आठ, एक ये कितना हो जाएगा सेवन जीरो जीरो सेवन। ठीक, अब देखिए अब इसको टोटल कर लीजिए कितना हो गया, एक में से आठ गए तो कितना बचेगा माइनस सेवन, बारह बारह जीरो, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बोला माइनस कॉमन निकालना हम निकाल देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो हो गया, फिर देखिए कितना आया माइनस सेवन प्लस सेवन जीरो जीरो सेवन, और ये टोटल आ गया जीरो जीरो। ये आपको प्रूव करना था ना, ऐसे इक्वल्स टू जीरो। अब हम भूल गए, मैंने इतना रटा था कि आपको ये फाइव की वैल्यू निकालना भी बताएंगे, काफी रटा था, फिर भी मैंने बोला कि ये सवाल नहीं पूछो नहीं पूछो नहीं पूछो, तो उन्होंने पूछ ही लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे निकालेंगे, ये फाइव की वैल्यू कैसे निकाल। अरे सिंपल है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू पाँच बार लिख देंगे, पाँच सौ पचपन की वैल्यू कैसे निकाल, ए की पावर पाँच सौ पचपन की वैल्यू कैसे निकाल, ए की वैल्यू पावर पच्चीस कैसे निकाल। बोलिए कैसे निकालें बताइए। अरे यार सिंपल तरीका ये है, ए की फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, एक तो ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, या फिर इसको ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए क्यूब की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने इतनी निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे और ए की वैल्यू दोनों का गुणा करेंगे, वो वैल्यू रखते उसको निकालते। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा पार्ट था, इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए, क्योंकि आपकी किताब के अनुसार काफी आगे निकल गए, इतना कर पाएंगे आप 20 से 25, ये एग्जांपल खत्म हो गया। देख लीजिए पहले स्टार्टिंग देख लीजिए, एक मिनट, ये समझ में आ गया ना, ये काफी इम्पोर्टेंट, इस तरह का सवाल आता भी है, इसकी अभी जब शॉर्टकट मेथड बताऊंगा ना तो ये फाइव अगर निकालने की विधि बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ए फाइव ए सेवन ए नाइन शॉर्टकट मेथड। बोल सवाल क्या है, यदि नहीं लिखा है, बोलो यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा cos alpha minus sin alpha sin alpha sin alpha cos alpha cos alpha, तो b equals to cos beta cos beta minus sin beta sin beta sin beta minus cos beta, तो दर्शाइए कि ab equals to ba, अरे ये तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा यार, क्यों घबरा रहे हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती ना, ठीक। ये देखिए ये ऐसा गया, बोले कितना हुआ cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta sin beta, बोले minus cos alpha sin beta माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ रहे साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन बीटा, फिर बताइए माइनस साइन
साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, ये आएगा ना। ये किसका फार्मूला है? जहां तक यहाँ से माइनस बाहर निकाल लें, माइनस बाहर निकाल देना, वहां से क्या हो जाएगा? भाई आप माइनस यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है? पर वहाँ माइनस आएगा ना फिर तो, वहाँ ये लिखा ना माइनस नहीं, देखिए यहाँ से माइनस को बाहर निकाला। अच्छा हाँ, समझ गया, सही है, कमजोर है। एक आप देखिए नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है? यही आ रहा है, देखिए ये तो भी हमने ए भी निकाला। आप जब बी ए निकालेंगे तो यही आएगा। फिर बोलोगे सर आपने फिर बेवकूफ बना दिया, बोले फिर क्रम विनिमय नियम लागू कर दिया आपने। तो क्रम विनिमय नियम कभी कभी लागू होता है, कभी कभी नहीं, ठीक है? तो उसका बीए निकाल लोगे, बन जाएगा बीए निकालते, कोई डाउट तो नहीं? डाउट हमको वहां पर है जहां पर हमको फार्मूला याद नहीं है, बनता नहीं है वहां। ऐसे पूछेंगे तो बन जाता है, लेकिन अगर उसमें अप्लाई करके देखो, जब तुम पहले दिन हमारे घर आए थे दिक्कत हुई थी ना, दूसरे दिन तीसरे दिन दिक्कत हुई क्या? ऐसा क्यों? कि रेगुलर प्रैक्टिस में आ गया, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अपनी आज छोटी सी क्लास यहीं खत्म होगी, ठीक है? अब आपका काम बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना आपको दो तीन, क्योंकि बेसिक चीज़ें जहाँ कर लोगे ना, मतलब बेसिक में आपका प्लस हो गया गुणा हो गया, ये दो चीज़ें बनने लगेंगी ना, तो ये चैप्टर मैं दो दिन में ख़त्म करूँगा और अगले दो दिन में सारणिक ख़त्म करूँगा, क्योंकि इससे ही संबंधित कुछ सारणिक में है। लेकिन ये चीज़ अच्छे से बननी चाहिए, कहीं वहाँ फंसना नहीं है। यहाँ तो ठीक है फार्मूला हमको नहीं बनता, ठीक है फार्मूला हम देख लेंगे, लेकिन कभी कभी हम चार में दो का गुणा कर देते हैं 42 लिख देते हैं, ठीक? तो हमको वहाँ आप इसकी कॉपी बनाइए बाकायदा, और उतनी प्रैक्टिस तेजी से करीब तो लेट हो गया अपन। तो पहले इसको बेसिक चीज़ें आपसे बन जाएगी, जितनी बेसिक चीज़ें बन जाएंगी दो दिन में मैं आपका चैप्टर करूँगा। इसके बाद 10-12 डेफिनेशन है और उसका इनवर्स है, इनवर्स में सारी चीज़ें गुणा 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 का यूज होता है, ठीक है? ये जो अपन ने पहले सवाल किया ना यार कि एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 4A प्लस 5 या 7 लिखा रहा, ये इनवर्स में भी करना पड़ेगा। तो पहले आप सबसे पहले आज जाइए, आपकी किताब में जितना भी एग्जांपल दिया उसको पहले अच्छे से 1 by 1 करिए, देखिए मत, ठीक है? कोई पिक्चर देख नहीं रहा, पिक्चर देखेंगे तो बार बार पिक्चर याद हो जाएगी, ठीक है? हमको यहाँ पर बताना एक्सप्लेन करना, तो इसको करिए इतना। तो नेक्स्ट टाइम कल सुबह आ सकते हो क्या? 8:30 बजे 9 से 10 आ जाओ, 9 से 10 आ, ठीक है? आ जाओ, ठीक, बंद करो, नहीं।